यू कैन गेट मनी विथ टाइम बट यू कैन नॉट गेट टाइम विथ मनी। मोटिवेशन के वीडियोस तो हम बहुत देखते हैं लेकिन कभी कभी अप्लाई भी कर लेना चाहिए। एंड सो इसी लाइन को सार्थक करते हुए आज मैंने डिसाइड किया है कि आई विल यूज़ एवरी सिंगल मिनट ऑफ माई डे, जो कि यूजुअली मैं हर रोज़ ट्राई करता हूँ, बट आज का सीन थोड़ा अलग है एज आई एम 24/7 ऑन कॉल फॉर दिस होल वीक एंड आई हैव मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क्स इन पेंडिंग फॉर टुडे, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट टाइम, बट एज आई सेड एक एक मिनट का यूज़ करेंगे एंड सारे काम कंप्लीट भी करेंगे। संडे नाइट की पीसफुल स्लिप को तोड़ने की इच्छा किसको होती है, बट फॉर द डिवाइन पर्पज ऑफ अवर एग्जिस्टेंस वी मस्ट हैव टू वर्क। उठते ही मैंने कॉल किया अपने फियांसे को, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रोडक्टिव शुरुआत क्या हो सकती है दिन की, जब कोयल की मीठी मधुर वाणी आपके दिमाग को तरोताज़ा कर दे। वी हैव डिस्कस्ड द प्लान्स फॉर टुडे एंड ऑल्सो मोटिवेटेड ईच अदर टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ अवर सेल्फ्स। एज डिसाइडेड यस्टरडे नाइट आज मुझे वीडियो अपलोड करना है एंड मुझे अच्छे से पता है कि आई विल नॉट गेट मच टाइम वंस आई विल बी इन द हॉस्पिटल, सो सबसे पहला काम मैंने वीडियो को एक्सट्रैक्ट करने का किया। इट विल टेक अराउंड 30 to 45 minutes एंड आई कांट यूज़ मोबाइल इन दैट ड्यूरेशन, सो आई स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग एंड मीनवाइल मैंने मॉर्निंग रूटीन की ओर प्रयाण किया। व्हाइल डूइंग ब्रश एंड बाथ आई क्विकली थॉट अबाउट द टास्क एंड वर्क्स फॉर द डे। मैंने नहाते नहाते ब्रेन में वो सारे टास्क की प्रायोरिटीज़ एंड कैसे कैसे टाइम निकल के उनको कंप्लीट करूँगा वो सोच लिया। मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन इज द की फॉर मैनी ऑफ माई अचीवमेंट्स एंड सर्जिकल रेसिडेंसी में रोज़ तो नहीं कर पाता, बट ट्राई करता हूँ कि जब भी टाइम मिले 15-20 मिनट अपने ब्रेन को पूरा पॉजिटिवली मॉडिफाई कर दूँ। आफ्टर प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ अस आई विजुअलाइज्ड एवरी सिंगल टास्क ऑफ माई डे इन रियल टाइम एंड ऑल्सो ऑल माई गोल्स फॉर द ईयर एंड होल लाइफ। विजुअलाइजिंग द फ्यूचर इन प्रेजेंट, लाइक मैं आज ऑपरेशन के बीच में टाइम मिल रहा है उसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, या फिर आज मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, भले ही अभी तो दिन स्टार्ट हो रहा है, बट आई विजुअलाइज दैट आई हैव ऑलरेडी डन इट। एंड ये चीज़ अगर आप डेली करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कैसे भी करके करवाता है, एंड आज हम देखेंगे भी कि कितना परसेंट करवाता है। देन मैंने वो जितने भी टास्क थे उनको डिजिटल नोट में लिख दिए, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं होते हैं भैया, आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो एफिशिएंटली ख़त्म हो ही नहीं पाएगा। हॉस्पिटल जाने का भी टाइम हो रहा था एंड ब्रेकफास्ट के लिए टाइम थोड़ा सा कम लग रहा था, सो मैंने लिफ्ट में ही बिस्किट खा लिया जिससे एटलीस्ट लंच तक थोड़ी एनर्जी आ जाए, बाकी मेरे पेट की फैट थोड़ा बहुत एनर्जी ऐड कर ही देगी। आई रीच्ड टू हॉस्पिटल इन 7 मिनट्स एंड पार्किंग से वार्ड तक जाने तक की 5 to 10 मिनट्स में मैंने मैरो से सर्जरी के पल्स पढ़ लिए। पल्स एक टाइप के छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक समरीज के, जो आप 2-2 मिनट्स में रीड करके पूरे टॉपिक से ओरिएंट होकर रिवाइज कर सकते हो। एंड जैसे मेरे लिए मैरो है, वैसे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो आप फ्लैश प्रेप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। दे हैव फ्लैश कार्ड्स फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स एंड आप जो 5-5 मिनट्स वेस्ट करते हो खाते पीते चलते फिरते उसमें बुक्स लेके पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, बट आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स से इंपॉर्टेंट या फिर रट्टेबाजी वाले टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो। दे हैव ऑल्सो कार्ड ब्लॉक्स फॉर रिसेंट ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट एडिट क्वेश्चंस, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अपडेट एक ही जगह पे मिल जाती है। एंड कोई भी अलग से टाइम निकाले बिना यू कैन रीड इट इन विद इन 1 to 1-2 मिनट्स। पहले स्टूडेंट्स खुद बनाया करते थे ऐसे कार्ड्स एंड दीवार पर चिपकाया करते थे, लेकिन डिजिटल ज़माने में ऐसे ऐप्स ने आपका काम बहुत ही स्मार्ट एंड टाइम सेविंग कर दिया है। ऑल्सो द कलर्स इमेजेस एंड एवरीथिंग इतनी ब्यूटीफुली सेट किया गया है इस ऐप में कि आप कितना भी पढ़ो आपको बोरिंगनेस नहीं आएगी। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड ऐप एंड ऑल ऑफ द अबव इट्स टोटली फ्री एंड आई विल रिकमेंड यू टू स्टार्ट यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस इफ यू वॉन्ट टू यूज ईच सिंगल मिनट ऑफ योर डे। वार्ड पहुँच के मैंने क्विक मॉर्निंग राउंड्स लिए। जो जो पेशेंट एडमिटेड है उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट चेंज था तो वो कंसल्टेंट सर्जन से पूछने के लिए रख दिया। सो अभी जस्ट मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ हूँ और मेरे जूनियर डॉक्टर डॉक्टर कार्तिक का फोन आया कि एक RTA का क्रश इंजरी का पेशेंट आया। RTA मतलब कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जिसमें उसके दोनों पैर जो है वो बहुत ही खराब तरीके से इंजर्ड हुए हैं, तो हम उनको ऑपरेशन में ले रहे हैं और उनका दोनों पैर काटने की शायद सिचुएशन हो रही है। फटाफट राउंड्स लेके मैं इमरजेंसी वार्ड में पहुँच रहा हूँ। वार्ड से ऑपरेशन थिएटर तक जाते जाते मैंने वीडियो अपलोडिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसमें भी 2-3 आवर्स लगते हैं एंड वैसे भी ऑपरेशन में मेरा मोबाइल यूज़ होगा नहीं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। एज यू कैन सी आई एम डूइंग लिमिटेड मल्टीटास्किंग लाइक वीडियो एक्सपोर्टिंग विथ मॉर्निंग रूटीन, वॉकिंग विथ रीडिंग फ्रॉम मैरो, वॉकिंग विथ ईटिंग बिस्किट्स एंड लाइक दैट। एक्चुअली मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक साथ करने में एक भी काम आप ठीक से नहीं कर सकते हो, बट आप 2 ऐसे काम एक साथ जरूर कर सकते हो जिसमें एक में ब्रेन यूज होता हो एंड एक बॉडी रिफ्लेक्स हो जिसमें ब्रेन यूज नहीं होता हो, उसको बोलते हैं लिमिटेड मल्टीटास्किंग। जैसे चलने में ब्रेन यूज़ नहीं होता, सो मैं उस टाइम ब्रेन को पढ़ाई में लगा सकता हूँ, या फिर वीडियो अपलोड में लगा सकता हूँ, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मेल पर लगा सकता हूँ, एंड दैट इज़ अ हाईली प्रोडक्टिव मल्टीटास्किंग दैट आई डू ऑन डेली बेसिस एंड सो आई कैन मैनेज माई वर्क अलॉन्ग विद वेरी हेक्टिक ड्यूटीज एंड इवन स्टडीज।
यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट टू फील द डिफरेंस। आई रीच्ड द ऑपरेशन थिएटर। पेशेंट के दोनों पैर क्रश हो चुके थे एंड ना चाहते हुए भी हमें जान बचाने के लिए दोनों पैरों को घुटने के ऊपर से काटना पड़ेगा। मैंने एंड मेरे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर विष्णु ने मिलकर यह बहुत ही हैवी हार्टेड टास्क को कम्प्लीट किया। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ये काम चला एंड पेशेंट को एनेस्थेसिया एंड थिएटर से बाहर निकलते निकलते ऑलमोस्ट 4 बज गए। वैसे आज के प्लान में बहुत कुछ टास्क थे बट आधा दिन सिर्फ इसी ऑपरेशन में चला गया। ऑल्सो एट द सेम टाइम आई हैव लर्न्ड मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। बट अब आया मुझे टेंशन भैया, क्योंकि वीडियो अपलोड करने का प्रॉमिस किया हुआ है मेरी स्मार्ट जनता को एंड टाइम निकल रहा था, साथ में बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है। सो क्विकली मैंने लंच ले लिया, बहुत ठंडा हो गया था बट इस हालत में आप मुझे कच्चा करेला भी दे दोगे तो भी खा लूँगा। ऑल्सो लंच करते करते मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स एंड मैसेजेस के रिप्लाईज दे दिए। अगेन कंबाइनिंग ब्रेन वर्क विद रिफ्लेक्स वर्क। बहुत सारी स्मार्ट वर्क ट्रिक्स मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ बातें होती है, कोई हवाबाजी नहीं। वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब बटन प्रेस करना भी एक लिमिटेड मल्टीटास्किंग ही है, सो अभी से ही सब्सक्राइब करके स्टार्ट कर दो आप भी। एक्चुअली आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ मेल्स एंड मैसेजेस ऑन डेली बेसिस एंड सबको तो नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स को ऐसे ही लंच या डिनर पर रिप्लाई कर देता हूँ। देन दूसरे ऑपरेशन के बीच में थोड़ा टाइम था तो मैंने वीडियो पब्लिश करने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी वीडियो अपलोड होकर मोनेटाइजेशन अप्रूव हो गया था, जो मेरे जैसे स्लो नेट वाले बंदे के लिए 2-3 आवर्स का प्रोसेस है। थैंक्स टू माई विजडम फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑन टाइम। वीडियो का डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड स्क्रीन्स कार्ड्स एंड पूरा सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन करके मैंने उसी टाइम 15 मिनट्स में वीडियो पब्लिश कर दिया। एंड एट द सेम टाइम आई गॉट अ कॉल फॉर 1 रेफरेंस फ्रॉम मेडिसिन डिपार्टमेंट। इट वॉज फॉर लिम्फ नोड बायोप्सी, जो माइनर ओटी का प्रोसीजर है। मेरी जूनियर डॉक्टर श्रुति ने वो अच्छे से कंप्लीट किया, हालांकि मैंने वहाँ खड़ा रख के उनको सिखाया एंड प्रोसीजर ऑब्जर्व किया। एंड ऐसे ही सारे मेडिकल स्टूडेंट्स फिजिशियन या सर्जन बनते हैं। मैं मेरे सीनियर के अंडर में सीखता हूँ एंड फिर मेरे जूनियर्स मेरे अंडर से सीखते हैं। उसी टाइम मीनवाइल मेरे दूसरे जूनियर डॉक्टर डॉक्टर कार्तिक ने ऑपरेशन में केस लगा दिया था, सो आई क्विकली वेंट देयर एंड जाते टाइम मैंने वीडियो की अपडेट को इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया। यू नो द चैलेंज राइट। नेक्स्ट पेशेंट हैज़ नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन ऑफ अपर लिम्ब। बेसिकली उनके पूरे हाथ में इन्फेक्शन लग के एक तरह से सड़ गया था, सो हमने वो पूरा डेड टिश्यू निकाल दिया एंड फिर थोड़े दिनों बाद उस पर स्किन लगा देंगे। ऑपरेशन कंप्लीट करके मेरे पेट को फिर से भूख लग गई, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरा टिफिन मेरे घर पर ही आया हुआ था एंड घर तो मैं जा नहीं सकता था क्योंकि इसके बाद और 2 ऑपरेशन बाकी बचे थे। सो मैं एंड मेरे सीनियर डॉक्टर एम्स के बाहर एक छोटे से होटल में गए। चलते चलते मैंने सर से इवनिंग राउंड्स पे क्या क्या हुआ वो डिस्कस कर लिया, क्योंकि आइडियली मुझे इवनिंग राउंड्स अटेंड करने होते हैं बट बिकॉज आई वॉज इन ऑपरेशन आई कुडंट। सो मैंने चलते चलते उनसे पूछ लिया। देन वी एट लाइट डिनर इन दैट होटल एंड केम बैक। नेक्स्ट 2 केसेस एप्सेसिस के थे, एक ग्लूटियल एप्सेस एंड एक इंग्वाइनल एप्सेस। सो हमने वो दोनों का इंसिजन एंड ड्रेनेज करके सारा पस निकाल दिया। इन 2 ऑपरेशन के बीच में भी मुझे 1/2 आवर मिला, जिसमें मैंने आज के वीडियो पर आए हुए आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स के रिप्लाईज दे दिए। कुछ टाइम पहले जब चैनल छोटा था तब आप रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप 50K 100K और इवन मिलियंस पर भी ऐसे ही कमेंट्स के रिप्लाईज देते रहना, जो कोई नहीं करता है। एंड सी आज 52K होने पर भी मैं हर वीडियो पर रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि आई नो हाउ मच यू पीपल लव मी एंड अगर आप मेरे लिए टाइम निकल के कुछ लिखते हो तो मेरा भी फर्ज है कि आपको भी रिप्लाई दूँ। एंड ऐसे ही इतनी हेक्टिक ड्यूटीज़ के बावजूद हर बार आपके रिप्लाई के लिए टाइम निकालता रहूँगा। रात के 3:30 बज चुके थे, कोई और इमरजेंसी ऑपरेशन कभी भी आ सकता था एंड सुबह 8 बजे फिर से काम स्टार्ट करना था, सो घर जाने की बजाय डॉक्टर रूम में ही सोना थोड़ा उचित लगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कम्प्लीट द चैलेंज बाई एवरी सिंगल मिनट ऑफ माई डे एंड इवन कम्प्लीटेड मैनी इंपॉर्टेंट टास्क इंक्लूडिंग रीडिंग, वीडियो एक्सपोर्टिंग, वीडियो अपलोड, इंपॉर्टेंट मेल्स, कमेंट्स रिप्लाई एंड मच मोर, जिसके लिए हम सबको अलग से टाइम देना ही पड़ता है। बट मेरे पास अलग से बैठ के करने का कोई टाइम था नहीं, सो आई टुक दिस चैलेंज एंड कम्प्लीटेड ऑल द टास्क विथ लिमिटेड मल्टी टास्किंग। एंड हाँ, फ्लैश प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक एक मिनट यूज़ करने के लिए ऐसे हैंडी ऐप्स आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने ही चाहिए एंड खाते पीते चलते फिरते उसका यूज़ होना चाहिए, तभी आप 5-5 मिनट करके 100 घंटे एक्स्ट्रा निकाल दोगे एंड साइलेंटली सीधा कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओगे। एंड नाउ ये चैलेंज मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट डे यानी कल आप अपने दिन की 1-1 मिनट प्रोडक्टिवली यूज़ करोगे। नो सोशल मीडिया, नो गेम्स, नो टाइम पास। पढ़ाई अगर नहीं है तो कोई इन्वेस्टमेंट या फिर पर्सनालिटी रिलेटेड अच्छी नोवेल पढ़ो, कोई सेमिनार या कोर्स अटेंड करो या अपने फ्यूचर के गोल्स प्लान करो, मेडिटेशन विजुलाइजेशन करो, कुछ भी करो, बट टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ड्यूटीज़ के साथ ऐसे व्लॉग्स शूट करके अपलोड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, बट आई एम डूइंग इट टू गिव यू सम पॉजिटिव एनर्जी। इफ़ यू अप्रिशिएट दिस एफर्ट्स प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स टोटली फ्री। बार बार मेरे वीडियोज़ को देखने वाले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।